हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा वीडियो होगा बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज आप होममेड साबुन के बारे में बताइए, और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है सैंडलवुड साबुन के बारे में, और दूसरा है एलोवेरा साबुन के बारे में, और एक जो हमारा सबसे फेवरेट है मुल्तानी मिट्टी साबुन के बारे में। सो ये सारी रिक्वेस्ट आई है मोस्टली मेरे मुल्तानी मिट्टी DIY फेस वॉश के बारे में। सो उसका मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी आई बटन पे, आप देख लीजिए वो DIY अगर आपने नहीं देखा है। सो उस DIY में मैंने यूज किया था प्योर सैंडलवुड साबुन, और बहुत सारे लोगों ने वो देख के कहा कि मैम आपने कैसे बनाया था या कहाँ से खरीदा है, हमें भी चाहिए। सो आज मेरे चैनल पे मैं बताने वाली हूँ होममेड साबुन के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि आपकी अगर स्किन ऑयली है या नॉर्मल है या ड्राई है, किस तरह से आप साबुन में क्या डालें कि आपकी स्किन के हिसाब से वो साबुन बन जाए। सो हम ये तीन साबुन बनाने वाले हैं, एक जो है प्योर सैंडलवुड सोप, दूसरा होगा एलोवेरा, और तीसरा है मुल्तानी मिट्टी। अगर आप मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो बहुत लोगों को लगता है मुल्तानी मिट्टी उन्हीं को सूट करता है जिसकी स्किन ऑयली है, तो नहीं, मैं अपने वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले भी किस तरह से मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एजेंट होता है हमारे दाग धब्बे, पिंपल्स और ये सारी चीज़ें हटाने के लिए। दूसरा है एलोवेरा साबुन। एलोवेरा साबुन भी बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, आपको पता ही होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो एलोवेरा कितना बेनिफिशियल है स्किन के लिए। और जो थर्ड वाला है हमारा साबुन है वो जो है सौंदर्य का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट जो है चंदन पाउडर। सो चंदन तो हम उबतन में भी डालते हैं, तो चंदन जैसे सैंडलवुड पाउडर होता है वो गोरेपन के लिए, निखार के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो वो तीसरा साबुन हमारा होगा सैंडलवुड का। सो सारी इन्फॉर्मेशन और किस तरह से बनाना है, मैंने ऑलरेडी एक साबुन तो बना लिया है, मेरे DIY कर चुकी हूँ चारकोल साबुन का, अगर वो भी नहीं देखा है तो आई बटन पे उसकी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले किस तरह से उसे बनाना है उसके बारे में जाने से पहले, अगर आपका नीचे रेड बटन अभी भी सब्सक्राइब का रेड है तो प्लीज उसे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाइए बी ब्यूटीफुल विद इन फैमिली में। और उसके बाजू में अगर जब आप क्लिक करते हैं तो एक बाजू में बेल आ जाता है, उस बेल के आइकन को भी नोटिफिकेशन ऑन कर देना तो आपको पता चल जाएगा मैंने मेरा नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड किया है। जैसे अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है ऑटोमेटिक, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। सो चलो आप शुरुआत करते हैं किस तरह से बनाना है DIY होममेड। सो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ तीन साबुन, होममेड तीन साबुन के बारे में। तो हम ऐसे मोल्ड में इसे बनाएंगे, तो उसका शेप हमें साबुन बनाने के लिए सिर्फ ग्लिसरीन लिया है मैंने यहाँ पे, ग्लिसरीन साबुन जो है पेयर्स का, ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। और उसमें हम डालेंगे सैंडलवुड पाउडर। अब सैंडलवुड पाउडर हम खूबसूरती के लिए डाल रहे हैं, निखार के लिए डाल रहे हैं। सो उसके अंदर हम डालेंगे एक कैप्सूल विटामिन ई का। सो ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, अगर आपको ये डालना है तो आप डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं देती हूँ कि तेजस तेलम, जो निखार के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू किया है मैंने मेरे चैनल पे। तो तेजस तेलम जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, तेजस यानी ग्लोइंग, तो हम एक दो बूंद इस तेजस तेलम का भी डाल सकते हैं, बस एक या दो बूंद ही डालना है। ग्लिसरीन अपना काम करेगा और ये सैंडलवुड पाउडर है, तो अब हम इसे माइक्रोवेव कर देते हैं। जैसे ये ग्लिसरीन पिघल जाता है माइक्रोवेव में, इमीडिएटली हमें डालना है हमारा ये सैंडलवुड पाउडर पूरा, और उसमें हम डालेंगे एक कैप्सूल विटामिन ई की। अब इस मिक्सचर को जल्दी से हिलाएंगे, हम मिक्स करेंगे बहुत फास्ट। आप देख सकते हैं जैसे मैंने मेरे मुल्तानी मिट्टी DIY फेस वॉश में जो साबुन यूज़ किया था एग्जैक्टली वैसे ही सेम मैंने आपको बता दिया है ये वीडियो में। तो दोस्तों ये है मेरे तीन साबुन जो मैंने आपको बताने थे, तो ये मैंने आपके सामने बना दिया सैंडलवुड साबुन। उसी तरह से सेम तरीके से जैसे हमने सैंडलवुड बनाया है वैसे ही सेम तरीके से हमें बनाना है मुल्तानी मिट्टी साबुन और एलोवेरा साबुन। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग मोल्ड्स में आप बना सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। वैसे मैंने चारकोल सोप भी बनाया है, वापस मैं आपको कह रही हूँ चारकोल साबुन भी ज़रा देख लेना कैसे बनाया था। तो ये जो था सैंडलवुड सोप, बहुत सारी जो रिक्वेस्ट आई थी इसके ऊपर, तो ये बन गया प्योर सैंडलवुड साबुन। यही साबुन मैंने यूज़ किया था मेरे मुल्तानी मिट्टी DIY वीडियो में। सो ये हो गया अपना सैंडलवुड साबुन। अब इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है सब बनाते वक्त ही कि इसमें क्या करना है। गोरेपन के लिए हम यूज़ करते हैं सैंडलवुड को, सो हमने इसमें डाला था विटामिन ई की कैप्सूल। अब जैसे मुल्तानी मिट्टी साबुन है, ये ऐसे सौगी इसलिए है क्योंकि ये मैंने यूज़ कर रही हूँ अभी रिसेंटली, मैंने इसको यूज़ किया है अपने फेस वॉश के लिए, सो थोड़ा सा ये सौगी होता है।
मुल्तानी मिट्टी ज़्यादातर ऑयली स्किन वाले यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी स्किन ड्राई है, सो मैं मुल्तानी मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा ऑयल डालती हूँ ताकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। लेकिन मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है आपके चेहरे को पिंपल से फ्री रखने के लिए। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी साबुन से ज़्यादा बढ़िया कोई भी साबुन नहीं है आपके लिए। सो ये आप फेस पे भी लगा सकते हैं। वैसे ही पतंजलि का मुल्तानी साबुन इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं दोनों का टेक्सचर कितना सिमिलर है अगर मैं बाजू में रख के देखूँ तो। पर मुल्तानी मिट्टी का जो साबुन पतंजलि का है वो ज़्यादा जल्दी सॉगी नहीं हो जाता है, हमारा होममेड है इसलिए ज़्यादा थोड़ा वो सॉफ्ट रहता है, और इसी तरह से बनाना है। लेकिन इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल्स डाले हैं सो ये थोड़ा सा सॉगी लग रहा है अभी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट भी है क्योंकि अभी ही मैंने इसे यूज़ किया था। ये पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी का साबुन है, एग्जैक्टली वैसे ही हमने होममेड बनाया है। सो यही मुझे बताना था कि अगर मुल्तानी मिट्टी का साबुन बना रहे हैं, अगर ऑयली स्किन वाले अगर देख रहे हैं तो इसमें ऑयल नहीं डालना, तो आपके स्किन की सारी ऑयल ये निकाल देगा। लेकिन अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 2-3 बूंद ऑयल के इसमें डालें। अब आते हैं एलोवेरा साबुन के बारे में। अब ये जो आप बताएंगे, दोनों भी एलोवेरा साबुन है, लेकिन आप देखेंगे तो कलर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ये कलर क्यों डिफरेंट है मैं बताती हूँ। ये जो हमारा ग्रीन स्टार वाला जो है डाला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, तो जो एलोवेरा का जो कंटेंट इसमें डाला है वो है आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल, जो हमने मैंने आपको बताया बायो केयर से, उसकी मैंने 3 स्पून इसमें डाली थी, तो जाके ये ग्रीन कलर आ जाता है हमारा। सो ये है हमारा ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल साबुन, और ये जो है ये मेरे फ्रेश एलोवेरा प्लांट से निकाला हुआ जेल है, और इसे मैंने यूज़ किया है नहीं पियर सोप में, इसे मैंने यूज़ किया है सोप बेस जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उस सोप बेस में जो ट्रांसपेरेंट होता है, कम्प्लीटली पेयर्स जैसा होता है लेकिन कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, और इसे मैंने बॉयल करके, ट्रांसपेरेंट सोप बेस को बॉयल करके उसमें फ्रेश एलोवेरा डाला है इसमें। सो ये है एलोवेरा का फ्रेश एलोवेरा साबुन। दोस्तों ये थी सारी जानकारी होममेड डीआईवाई साबुनों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगा हो तो नीचे एक लाइक बटन है उसे हिट कर देना, और अगर बाजू में सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो उसे भी हिट कर देना, मेरे चैनल में सब्सक्राइब होकर ज्वाइन हो जाइए पी ब्यूटीफुल विद इन फैमिली में, और ऐसी बहुत सारी डीआईवाई इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बताती हूँ अपने चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।